नमस्कार स्पेशल रिपोर्टर आउ एक एपिसोड को स्वागत करुच्छू विकास लव जिहाद ए लव जिहाद पाई पुणी जाइछि जने निरीह छात्री जीवन एक तरफा प्रेम पाई सैतान साजिछि प्रेमिक आउ एथिरे बळी पड़िछंती जने हिंदू झी। हाँ दर्शक बंधु आमे कहुचु झारखंड दुमकार घटना कथा जहाँ सारा देश को स्तब्ध कर देछि। मृत्यु सह संग्राम करी जीवन हारिछंती द्वादश श्रेणी छात्री अंकिता आउ निज मृत्यु पूर्वरु कहि जाइछंती मते केवल न्याय दरकार। लव जिहाद कौन एही लव जिहाद यार उत्तर आसे एक साधारणत आर्थिक प्रलोभन बल प्रयोग किंबा प्रेम जालरे फसाई किंबा अन्य संप्रदायर महिला को संख्यालघु संप्रदायर विवाह कराइबा को बुझाई थाए। यहाँ को ही लव जिहाद कह जाए। किसी युवक निजर परिचय लुचाई अन्य संप्रदायर युवती को प्रेम जालरे फसाई ताकु विवाह करिथांती बलपूर्वक सेमानक धर्म परिवर्तन मध्य कराइथांती आउ एथिरे सेमाने अराजी हेले सेमानकु हत्या करबाकु भी पछांती नाही एभली सैतान माने। सेभली घटना एबे सामना को आसी झारखंड रो दुमकारु जहाँ सारा देश को स्तब्ध कर देछि। आई लव यू कहिलानी बोली पेट्रोल ढाली चाली देला झारखंड रे लव जिहाद प्रेम शिकार न करिबारु जणे द्वादश श्रेणी छात्री को पोड़ी मारी देला युवक सोइथवा बेले देहरे पेट्रोल ढाली निया लगाई देला सैतान सारु एकतरफा प्रेम पाई सैतान साजिला झारखंड शाहरुख हुसैन पांच दिन धरी मृत्यु सह संग्राम करिबा परे आखि बुझिले झारखंड दुमका पीड़िता अंकिता। अंकिता मृत्यु खबर आसवा परे दुमकारे व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रही। सारा देश को स्तब्ध कर देछि एबे झारखंड दुमका घटना दुमका नगर थाना अंचल जरुबाडीह इलाकार रहुतिल अंकिता से इलाकार युवक थिला शाहरुख। अंकिता एक पाखिया प्रेम करुथिला शाहरुख हुसैन पुलिस उपाय अंकिता फोन नंबर जोगाड़ करी अंकिता बारंबार हैरान करुथिला ता कथा न मानिले जीवन रु मारी देबा को धमक भी देउथिला। देखते हैं कौन जेल में रुकाता है और जेल से निकलेगा तो सबको सिखाएंगे जो जो जेल में रुकाया है वो लोग लड़की को खत्म कर दो मार के। ससुर धमक को सत्य कर देतला सारू। 23 तारीख राति रे अंकिता को परिवार लोके गभीर निदरे सोइतबा बळे कोनसी उपाय रे अंकिता को घरे पसीथिला से अंकिता को चारिपटे ऊपर पेट्रोल ढाली निया लगाई दीथिला जीवन मरण सह पांच दिन संघर्ष करबा पर अंकिता को मृत्यु घटी। मृत्यु खबर आसवा परे दुमकारे भीषण प्रतिवाद देखा दिछि। हमारी मांग है जिहादी जिसने अंकिता बहन हमारी बेटी जिसको मौत से तड़पते हुए पेट्रोल डालकर उसको मौत के हवाले कर दिया गया तो उस जिहादी को तत्काल फांसी दिया जाए कि हमारा जो ये पीड़ित परिवार है उसके परिवार के किसी भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी उनके योगदान अनुसार मिले। हमारा दूसरा मांग है कि पीड़ित परिवार के पिताजी को 5 करोड़ रुपया का आर्थिक सहयोग झारखंड सरकार करे। ये जो घटनाएं पूरे देश में घट रही हैं लगातार घट रही हैं जिसमें अपना धर्म छुपाकर धोखे से या गुंडई से उस लड़की को अगवा करने का प्रयत्न होता है मजबूर करने का प्रयत्न होता है यह सिद्ध करता है कि विश्व हिंदू परिषद जिसको सांगठनिक लव जिहाद कहती है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहती है जो अलग अलग केसेस नहीं है इस तरह की शिक्षा इस तरह की प्रेरणा उनको जिहादी तत्व देते हैं। सबरे शाहरुख हुसैन को पुलिस कस्टडी को निया जाउत बारे को वीडियो बे सामना को आछि जहाँ को नहीं परिस्थिति आहुरी उत्तेजनापूर्ण हो अभियुक्त शाहरुख को जेपरी तुरंत फांसी खुंटे झुला जाती दावी उठी। घटना को नहीं झारखंड हेमंत सोरेन सरकार को टार्गेट कर विरोधी राज्य आईन श्रृंखला स्थिति नहीं तीव्र समालोचनार शिकार होती सोरेन सरकार। अगर समय से इलाज होता तो बच्ची बच जाती। एक और प्रशासन और सरकार उनकी इलाज की व्यवस्था नहीं होती और दूसरी ओर अपराधियों को बचाने के लिए कैसे बचे उसकी पूरी व्यवस्था होती है मुकम्मल व्यवस्था होती है। जो उनके परिवार के सदस्यों ने मृतक के पिता ने मृतक के पिता ने जो बताया है कि कैसे कहां से पेट्रोल डाला किस खिड़की से उसको घर के अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से देखा है
अभी हम लोग इसको देखने में और उसको उनसे बात करने की प्रक्रिया में ही हैं, इसलिए अंतिम रूप से कुछ अभी कहने की स्थिति में नहीं है। दोषी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान सह पीड़िता परिवार को 10 लाख आर्थिक सहायता घोषणा कर झारखंड सरकार। तेज झारखंड में लव जिहाद घटना को नहीं सारा देश में देखा मिली तीव्र प्रतिक्रिया। घटना को नहीं ताती छंती लोक माने दुमका रे जोरदार विक्षोभ प्रदर्शन एवं भी जारी। स्थिति नियंत्रण पर सेठे व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन कर झारखंड दुमकार घटना को नहीं सारा देश में देखाई तीव्र प्रतिक्रिया। विभिन्न स्थान में जोरदार होक्षोभ विरोधी को टार्गेट रे झारखंड सरकार दुमका घटना को नहीं तातीबार लगी लोक माने। झारखंड दुमकार घटना को नहीं एवं विरोधी टार्गेट रे झारखंड हेमंत सोरेन सरकार दुमका घटना को नहीं धीरे धीरे तातीबार लगी देशर लोक माने काठगड़ा रे ठिया होती सोरेन सरकार। इस घटना का जो दुख है मैं पिछले मैंने कल शाम से मैं कह सकती हूँ इस चीज को कि अंदर में बहुत सी चीजें आ रही थी, उबाल आ रहा था, लेकिन एक समय के बाद मैं लगता है कि इसमें हम लोग अब क्या ही करें। तो एक सामाजिक इशू है ये, एक पारिवारिक और सामाजिक इशू नजर आता है क्योंकि अब हम लोगों को जिम्मेवार समझना होगा और कहीं कहीं खुद को गिल्ट होता है कि शायद कहीं हम तो जिम्मेवार नहीं है इसके कि समाज में अभी भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं लड़कियों के साथ में। तो कहीं ना कहीं परिवार, समाज, इन सब चीजों का बहुत बड़ा जिम्मेवार माना जा सकता है। मुझे बस यही अफसोस हो रहा है कि कब तक हमारे देश की लड़कियां, युवतियां इस तरह आग और एसिड का काल बनती रहेंगी, उनके साथ इस तरह की दरिंदगी कब तक चलती रहेगी और कब तक हमारा समाज है, हमारी सरकार है, वो ऐसे लोगों को किसी तरह से मतलब मैं ये कहूँगी कि किसी तरह से उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की पोलाइटनेस ना की जाए। क्योंकि इस केस में अरेस्ट ऑलरेडी हो चुका है तो हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगवाई है DGP झारखंड से। ये एक्चुअली इस सोसाइटी में जिस प्रकार की सोच हो गई है कि आप महिलाओं को ज़बरदस्ती शादी करने पे मनाएं और नहीं करने को तैयार तो आप उसको जला दें, ये बहुत दुखदाई और दयनीय है और इस पे भी मुझे लगता है सोसाइटी में कुछ बातचीत होनी चाहिए और बदलाव की तरफ बात करनी चाहिए। मैं रिलीजन की बात नहीं करूंगी लेकिन आप महिलाओं को ज़बरदस्ती शादी के लिए नहीं मनवा सकते चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो और इसी कारण से उस बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। DGP से हमने लिखा है कि 7 दिन में हमें रिपोर्ट भेजें। ये भी एक सामाजिक मैं कहती हूँ सोच की बात है कि परिवार ने खुद ही जहाँ हम बात करते हैं महिलाओं की उत्पीड़न की या बाहर वाले जगह कहाँ से सिक्योरिटी और सेफ्टी की ज़रूरत है, वहीं अगर महिलाएं परिवार के साथ भी सेफ नहीं है तो ये सोचने की बात है, गंभीर बात है। पुलिस ने ऑलरेडी कॉग्निजेंस ले लिया है और अरेस्ट भी कर लिया है वहाँ दोनों भाइयों को, हमने रिपोर्ट मंगवाई है। ये भी फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए क्योंकि इसमें एक नहीं 2 मर्डर हुए, लड़के का भी मर्डर है, पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है और आशा है कि जल्दी ही ये कोर्ट में जाएगा केस। यार बिल्कुल निष्क्रिय दिखा अंकिता के मामला में, क्योंकि वो बहुत अच्छी कंडीशन में थी, बोल उल रही थी, उसको अगर उचित प्रबंधन किया जाता, उचित देखभाल करवाया जाता। हमारी मांग है जिहादी जिसने अंकिता बहन हमारी बेटी जिसको मौत से तड़पते हुए पेट्रोल डालकर उसको मौत के हवाले कर दिया गया, तो उस जिहादी को तत्काल फांसी दिया जाए और कोई सजा नहीं। जिस तरह से वो तड़प के मरी है हम भी तड़प कर उसको देखना चाहते हैं कि तड़प कर मरे। सजा अगर ये नहीं हुई तो हम रोड पर निकलेंगे। हम सारे संगठन हैं, ऐसा ना समझे कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी और महावीर मंडल और सारे हिंदू संगठन हम लोग एकत्रित हैं। इसके तो कारण है, यानी आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए हमने कहा कि भाई इस एक तो हमने कहा कि भाई न्याय तभी मिलेगी और अंकिता की आत्मा को भी तभी शांति मिलेगी फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके त्वरित कार्रवाई होना चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, अपराधियों को सजा होनी चाहिए, कठोर दंड। और दूसरा जो मैं कह रहा था कि 120B के तहत यहाँ के जो DSP है नूर मुस्तफा, उनके बारे में बहुत ही शिकायत है और वो इन लोगों को बचाने की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एज को बढ़ा रहे हैं, नाम पर उनको ये नहीं कर रहे हैं,
और आप भी पता चला है जो शाहरुख के बड़े भाई है कोई सलमान, वो भी धमकी दे रहा है लोगों को, उनकी भी गिरफ्तार, तो कैसे न्याय मिल सकता है। इसलिए हम सरकार से जो दूसरी मांग करते मुस्तफा के ऊपर भी 120B के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होनी चाहिए, और जहां शाहरुख और छोटू खान जेल में है उसी जगह पर इनको भी पहुंचानी चाहिए। सेपटे अंकिता हत्या मामलार तदंत पाई करा जायछि एसआईटी गठन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निर्देश परे पुलिस विभाग ई मामलार तदंत पाई एबे निर्देश दैछन्ति। अंकिता हत्या मामला अनुसंधान पाई गठित हेला एसआईटी, घटनास्थल रे सीआईडी। अंकिता हत्या मामलार तदंत पाई करागला एसआईटी गठन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निर्देश परे पुलिस विभाग एहि मामलार तदंत पाई निर्देश देछि। अंकिता हत्या मामलार तदंत पाई डुमका एसपी को नेतृत्व रे एसआईटी टीम गठन करा जायछि। मामलार गुरुत्व को दृष्टि रे रखी एसपी एहि मामलारे संपूर्ण नजर रखिछन्ति। एहि मामलारे मुख्य अभियुक्त शाहरुख समेत तार दुई सहयोगी को गिरफ करा जायछि। अभी जो हमारे साथ आए हुए हैं फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम है, फिंगरप्रिंट ब्यूरो है और सीआईडी की टीम है, सभी लोग हम लोग अभी घटनास्थल पर आकर के और यहाँ पे जो उपलब्ध साक्ष्य सब एकत्रित करने का काम कर रहे हैं ताकि केस का अनुसंधान मदद मिले और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा हम लोग दिलवाने में उपलब्ध ज़्यादा ज़्यादा साक्ष्य को कोर्ट को प्रस्तुत करें। आदेश तो हम लोग को कल ही मिला है और हम लोग जल्दी यथाशीघ्र ऐसे आदेश मिला हम लोग तुरंत इसका अनुपालन करते हुए हम लोग यहाँ साक्ष्य मिलने के लिए आए हैं। नहीं अभी कुछ कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं, हम लोग उसको कलेक्ट कर रहे हैं और आगे हम लोग कोर्ट को प्रस्तुत कर देंगे। सर टीम में सर कितने लोग शामिल हैं? हम लोग लगभग 9 से 10 लोग हैं टीम में। कौन कौन से हैं जिसमें? फोरेंसिक साइंस की टीम है, फिंगरप्रिंट ब्यूरो की है और सीआईडी की टीम है। 5 दिन धरी चिकित्सा चलिबा परे सोमवार सकाळे शेष निश्वास त्याग करिछंती अंकिता। घटना को नहीं डुमकारे उत्तेजना लागी रही थी पुलिस 144 धारा लागू करने सहित विभिन्न स्थान रे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जाइछि। मृत्युकालीन जमानबंदी रे झियटी मुख्य अभियुक्त सह छोटू नामक जने व्यक्ति नारे अभियोग करिछि। से सोइथिला बेले प्रथमे छोटू तांको उपरे पेट्रोल पकाइथिला, परे तांको देह रे निया लगाई दिया जाइथिला बोली मृत्यु पूर्वरु पुलिस को कहिथिले पीड़िता। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती है? नाम आप ज्यादा मुस्लिम है। नाम क्या उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? छोटू। झारखंड पुलिस एडीजी एमएल मीना कहिछंती जे मामलार प्रत्येक दिगरु अनुसंधान करा जाउछि। एही घटना परे फोरेंसिक एवं सीआईडी टीम मध्य डुमका स्थित अंकितांक घरे पहुंची घटनास्थल रे तदंत करुछंती। कहुए प्रेम अंध, जाति धर्म वर्ण निर्विशेष प्रेम हो पाए, हेले प्रेम पर सैतान साजी हत्या करने को भी पछाऊ ना कि असामाजिक व्यक्ति, जार ज्वलत उदाहरण देखा मिली दुमकारे। लव जिहाद कौन? यार उत्तर आसे यह साधारण तो आर्थिक प्रलोभन, बल प्रयोग किंवा प्रेम जाल में फसाई करी अन्य संप्रदायर महिला मुसलमान संप्रदाय विवाह करने को बुझाई थाए, ही लव जिहाद कहुए। किसी युवक निजर परिचय लुचाई अन्य संप्रदायर युवती को प्रेम जाल में फसाई बहुत करते, पर बलपूर्वक से धर्म परिवर्तन कराई। कहुए प्रेम अंध, जाति धर्म वर्ण निर्विशेष प्रेम हो पारे। अनेक क्षेत्र में देखा मिलूँ उच्च वर्ण निम्न जाति युवक युवती मध्य प्रेमरु ऑनर किलिंग भली घटना घटू। उत्तर भारत कहीं देशर विभिन्न अंचल खाप पंचायत भली बेआईन मुरबी जाति वर्ण निर्विशेष बहुत को स्वीकृति देना। लव जिहाद एक ऐसा जिहाद है जिसके माध्यम से लगभग 1 लाख लड़कियाँ हर साल पूरे देश से भगाई जाती हैं और उनको प्रेम जाल और मोहजाल में फंसाने के बाद या तो खाड़ी देशों में भेज दिया जाता है या मुंबई और कलकत्ता की बदनाम बस्तियों में भेज दिया जाता है। बजरंग दल ने एक अभियान चलाया है कि जो लड़की पहले तो इन लड़कियों को बचाया जाए, दूसरा जो लड़कियां चुंगल में फंसी हुई हैं उनको मुक्त कराया जाए
और तीसरा जो मुसलमान और ईसाई जो विधर्मी हैं, इनकी लड़कियां अगर हिंदू धर्म में आती हैं तो इनके माँ बाप को समझा करके उन लड़कियों को बेटी और बहू के रूप में प्यार दिया जाए। अगर बेटियों के साथ घिनौनी हरकत करने की कोशिश की तो तोड़ के रख दूंगा, ये नहीं चलेगा। कोई अगर पहला के फुसला के दबाव देके लालच देके, और मैं जानता हूं ऐसी बेटियों की जिंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, नरक बन जाती है, वो दर दर की ठोकरें खाती है। सबके साथ हूं मैं, कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दूर नहीं है, लेकिन गड़बड़ की, धर्मांतरण का कुचक, लव जिहाद जैसी चीज की तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। लव जिहाद असामाजिक समरसता के लिए एक तरह से कैंसर हो गया है। केरल जहां कम्युनिस्ट की सरकार है, वहां क्रिश्चियन का जो संगठन है उसने कहा है कि लव जिहाद एक विषम रोग हो चुका है। उन्होंने संख्या भी दिया है, वहाँ गैर मुसलमानों की बेटियों के साथ केरल ही नहीं, देश का कोई ऐसा राज्य नहीं जहाँ लव जिहाद का प्रकोप ना हो। और इसके पीछे में उनके कट्टरवादी संगठन का ये हाथ होता है जो जानबूझ करके ऐसा काम करते हैं, जो गैर मुस्लिम बेटियों को कभी हाथ में कबील बांध करके कलेबा बांध लिया और लोगों को धोखा दिए। अब कई राज्यों ने इसको बनाने की मुहिम में लग गया है। मध्य प्रदेश से 3,000 से भी ज़्यादा बेटियां गायब हैं, उनका कोई पता नहीं है वो कहाँ है, किस दशा में है, किस स्थिति में है। और जो बच्चों को 14-14, 13-13 साल की लड़कियों को बहला फुसला के गायब हो जाती हैं, वो खासकर ये फेसबुक और इन पे ट्विटर पे मिलते हैं लोग, अलग आइडेंटिटी बता के, नाम बता के बहला फुसला के ले जाते हैं और उनको जो है जिस दुर्दशा जो उनके करते हैं। तो आई थिंक ये कई कई सालों से लड़कियां इस चीज़ से पीड़ित हैं। कानून और सख्त होने की आवश्यकता है। कानून को हम 7 साल से ऊपर की सजा के प्रावधानों पर विचार करेंगे और साथ में जिन बेटियों को लोभ प्रलोभन या डरा धमका कर धर्मांतरण किया जाता है, ऐसे लोगों पर धर्मांतरण की कार्रवाई के साथ अपहरण और लूट और इस तरह के प्रकरण भी पंजीबद्ध हों। साथ में उनके जो सहयोगी जिनकी मदद से लड़की को बहलाया फुसलाया जाता है, डराया धमकाया जाता है, ऐसे सहयोगियों के खिलाफ भी अपराध प्रकरण पंजीबद्ध हों। अगर बेटी के साथ सामूहिक दुष्कृत या बलात्कार होता है तो वो प्रकरण हो, और हत्या होती है तो हत्या के मामले दर्ज हों। और जिसके घर में बेटी या बेटे का जन्म हुआ है तो ये तो निश्चित रूप से कि उस माँ बाप को तो जानकारी होना चाहिए कि मेरा बेटी मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, मैंने उसकी एजुकेशन दी, आखिर वो किस धर्म में किस बेटे से शादी कर रही है, वो आदमी कौन है। और इस तरह के धर्मांतरण पर कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। एपरि स्थले भिन्न धर्म रे प्रेम विवाह को लव जिहाद नाम रे विरोध केते यथार्थ ताहा मध्य वितर्कर अपेक्षा रखुचे। ଇତିହାସରେ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଯେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ରମଣୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୁସଲମାନ ଯୁବକ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବତୀ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାର ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି। ତେବେ ବଳପୂର୍ବକ ବିବାହ ତାହା ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ହେଉନା କାହିଁକି ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଭାରତରେ ଏହି ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବାହାର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ମୁସଲିମ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତରେ ଥିବା ମୁସଲିମ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ଏବେ ବାକି ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ସମୟ ସରିଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।